आजकल सभी जगहों पर रिमझिम बारिश हो रही है और बारिश में तो कुछ ना कुछ गर्म खाने का मन करते हैं, तो क्यों ना आज मूंग दाल के मंगौड़े बनाए जाए। तो आज हमने वही बनाए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। ना तो इसमें सोडा डालना है, ना ही हमने इसमें बेसन डाला है, बस थोड़ी सी बारीक कटी हुई सब्जियाँ डालते हुए इसको बना दिया और साथ ही उसकी हम हरी चटनी भी बनाएंगे और साथ में एक क्रीमी सी खीर बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी है। तो एक बार इस तरीके से बनाइए, आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम खीर बना लेते हैं। तो खीर के लिए हमने दूध गैस पर गर्म करने के लिए रख दिया था और अब हमने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं 1/4 कप। चावलों को भी हमने पहले ही धो के रख दिया था और सोख करके, और जब तक ये लो फ्लेम पर कुक हो रही है जब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए, मिक्सी का जार लिया है, इसमें हम अदरक ऐड करेंगे। अदरक भी हमने खूब सारा डालेंगे इसमें, और साथ ही हम हरी मिर्च भी, अदरक और हरी मिर्च को हम एक साथ ग्राइंड कर लेंगे और लहसुन को, और साथ में हम इसमें लहसुन भी ऐड कर देंगे। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से बिल्कुल ग्राइंड कर लेंगे, हल्का दरदरा दरदरा। इसको हम आधा हम इसमें से निकाल देंगे, आधे की हम चटनी बना लेंगे और बाकी का हम जो भंगौड़े बनाएंगे ना उसमें ऐड करेंगे। तो देखिए, इसको हम साइड कर देते हैं। अब बाकी के बचे में अब हम इसमें धनिया ऐड कर देते हैं और साथ ही हम इसमें आधा चम्मच के करीब जीरा ऐड करेंगे और स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे और एक टमाटर ऐड करेंगे। खट्टा वाला टमाटर होना चाहिए, तो इसकी चटनी बहुत ही अच्छी खट्टी खट्टी बनती है। तो देखिए, टमाटर को भी ऐड कर देते हैं और साथ ही हम इसमें और भी खट्टापन लाने के लिए इसमें एक नींबू निचोड़ देंगे, जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो जब चटनी खट्टी खट्टी होती है और खूब स्पाइसी होती है ना, तो बहुत अच्छी लगती है। अब इसका हम थोड़ा सा पानी डालते हुए अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। देखिए, चटनी पिस चुकी है, अब इसको हम साइड कर देते हैं। और उधर देखिए, दूध भी अच्छे से बॉयल हो गया और चावल भी थोड़े थोड़े कुक होने लगे हैं। बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे और खीर इधर बनती रहेगी और बाकी का हम आगे का काम कर लेते हैं। तो देखिए, 2 कप मूंग दाल को हमने रात में सोख कर दिया था और सुबह उठ के हमने उसको अच्छे से साफ कर लिया और धो लिया, उसके छिलके भी हमने आधे निकाल दिए। और दाल पीसते समय हमें ध्यान रखना है, एकदम से बारीक पेस्ट नहीं बनाना, हल्की दरदरी रखनी है और बिना पानी के ही पीसनी है। तो देखिए, दाल पिस चुकी है, अब इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करते जाएंगे। और 2 बारीक कटे हुए हमने प्याज ऐड कर दिए हैं और बारीक कटे हुए स्प्रिंग अनियन अगर आपके पास हैं तो आप उसमें डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और खूब सारा आप धनिया ऐड कर दीजिए। और अब हम इसके अंदर थोड़े मसाले ऐड करेंगे। तो आधा चम्मच के करीब हमने लाल मिर्च पाउडर डाला और थोड़ा सा हम जीरा डालेंगे आधा चम्मच के करीब, थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे और साथ ही हमने थोड़ा सा हमने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार, और बाकी के जो मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। और थोड़ी सी हम हींग ऐड करेंगे, मंगौड़ों में हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अब हम इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास साबुत खड़ा धनिया हो तो आप वो भी डाल सकते हैं उसको क्रश करके, और सौंफ भी, इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो देखिए, हम इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और तुरंत ही हम इसके अब मंगौड़े बनाएंगे। तो देखिए, उधर कढ़ाई में हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया था सरसों का, अब इसमें मंगौड़ों को हम डालते जाएंगे और अच्छे से फ्राई करते जाएंगे। बिल्कुल क्रिस्पी होने चाहिए, गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है। आप स्पून की हेल्प से भी डाल सकते हो या फिर हाथ से डाल सकते हो, जैसे मैं स्पून से ही डाल रही हूँ। तो देखिए, इसमें हमने छोटे छोटे मंगौड़े हमने डाल दिए हैं। अब देखिए, हल्का सा ही फ्राई होगा, उसके बाद ही हम इसको टर्न करेंगे, वरना एकदम से चिपक जाते हैं सारे। तो मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे फ्राई करना है और बढ़िया तरीके से एकदम क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए, मंगौड़े बहुत अच्छी तरीके से सेक चुके हैं, एकदम गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो गर्मा गर्म चाय के साथ इन मंगौड़ों का आनंद लीजिए, आपको बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े बहुत अच्छे लगेंगे। और साथ में हमने खीर भी बनाई है। देखिए, खीर में हमने ड्राई फ्रूट भी डाल दिए हैं और थोड़ा सा केसर ऐड कर देंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। केसर का कलर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और खीर के अंदर शक्कर हमने पहले ही डाल दी थी, और शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और देखिए, बढ़िया सी खीर बन के तैयार है और इधर क्रिस्पी क्रिस्पी मंगौड़ी भी बन के तैयार हो चुकी है। ट्राई करके देखिए, ये दोनों रेसिपीज आपको ज़रूर पसंद आएंगी। ओके, बाय, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।